राम राम सभी भाइयों दोस्तों को। दोस्तों हमारे पास ये 2500 एम्पीयर का एसी भी है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एसी भी में क्लोजिंग कॉइल, शंट कॉइल, अंडर वोल्टेज कॉइल और ऑन ऑफ के इंडिकेशन के कनेक्शन कैसे होते हैं और टर्मिनल कहाँ होते हैं और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यही हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको और प्रैक्टिकली बताएंगे आपको करके कि कैसे वायरिंग करते हैं और कैसे कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 25 एम्पीयर का एसी भी है, ये आप देख सकते हैं 25 एम्पीयर का एसी भी है। ये ईजी पैक्ट MBS 259 इसका मॉडल नंबर है। स्नाइडर मेक का ये, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये ऊपर होते हैं टर्मिनल, ये हमारे टर्मिनल होते हैं, कंट्रोल कनेक्शन टर्मिनल और ऑन ऑफ कनेक्शन टर्मिनल। ठीक है, शंट कॉइल कनेक्शन, अंडर वोल्टेज कनेक्शन, सब के हमारे टर्मिनल ऊपर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको जो कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, सबसे पहले ये OF4, OF3, OF2 और OF1। ठीक है, ये हमारे चार हैं। एक है हमारे 1NO 1NC का, ये है हमारे पास एक कनेक्टर 1NO 1NC और कॉमन, ये हमारे चार रहेंगे 1 2 3 4। यानी कि हमारे इस एसी में 4NO 4NC का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, जिससे कि हम इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ऑन का इंडिकेशन चलाना हो तो हमें क्या है, कॉमन पे सप्लाई देनी पड़ेगी एक वायर को, यानी कि हमें एक फेज देना पड़ेगा यहाँ पे और एक NO पे। ठीक है, हमारा ये ऊपर का NO है, ये हमारा ऊपर का NO पे कनेक्शन करेंगे यहाँ से, और जो यहाँ से जो वायर जाएगी वो हमारी लाइट पर जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑन के इंडिकेशन पर लाइट पर वायर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑफ का हो जाएगा, तो ये हमारे कंट्रोल सर्किट में यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम इस पे। ये हमारा MCH कनेक्शन कैसे होते हैं, हमारा B1 और B2 पे। ये MCH होता है हमारे, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, एक हमारे पास एक मोटर लगी होती है इसको, स्प्रिंग को जो ऑटोमेटिकली चार्ज कराता है, जो तो वो उसको सप्लाई देने के लिए हम यहाँ कनेक्शन करते हैं। तो हमारे वो कनेक्शन यहाँ होते हैं B1 और B2। ठीक है, ये हमारे B1 टू B2 हो रखे हैं, हमारा फेस और न्यूट्रल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये PF, ये हमारा को अभी इसमें कुछ नहीं है तो कोई यहीं बता नहीं है हम आपको। ये हमारा आ जाते हैं हम XF। XF का मतलब होता है हमारा क्लोजिंग कॉइल के कनेक्शन, कि हम क्लोजिंग कॉइल पे कनेक्शन कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्लोजिंग कॉइल पे हम कनेक्शन करते हैं A1 और A2 पे। ठीक है, क्लोजिंग कॉइल कनेक्शन हमारे A1 A2 पे हो गए। अब हम आ जाते हैं MX1। MX1 पे हम कनेक्शन करते हैं C1 और C2 पे। ठीक है, ये हमारा C1 C2 हो गए, हमारा क्या बोलते हैं शंट कॉइल के। अब आ जाते हैं हम, ये हमारे जो कनेक्शन है D1 D2, ये जो कनेक्शन हमारे अंडर वोल्टेज कॉइल के हैं। ठीक है, इसमें हमारे अंडर वोल्टेज कॉइल के कनेक्शन है 415 वोल्ट AC के। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारा ये जो लास्ट है, लास्ट जो हमारा बचा है SDE1। ये SD1 होता है हमारा ट्रिप के लिए, कि हमारा AC भी अगर ट्रिप होगा तो उसका इंडिकेशन जाएगा हमारी लाइट पे। तो हमारी लाइट ये लगा रखी है यहाँ पे, ये रही। ठीक है, ये ट्रिप की लाइट लगा रखी है, तो ट्रिप के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यही बेसिक डिटेल थी हमारी ACB की, टर्मिनल डिटेल्स की, कि कैसे इसे कनेक्शन करते हैं और कहाँ कहाँ पर क्लोजिंग कॉइल होती है, क्लोजिंग कॉइल के कनेक्शन करते हैं, सेंट्री कॉइल कनेक्शन करते हैं और अंडर वोल्टेज कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सिलरी क्वांटिटी कनेक्शन कहाँ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो इंटरेस्ट लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।